So hello everyone and welcome to the new lecture of FRB, that is Fair Division Batch. इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी. तो पिछले लेक्चर हम लोगों ने स्टैटिक जीके स्टार्ट कर दिया था, साथ ही साथ हम लोग पॉलिटी भी यहाँ पे करने वाले हैं. रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि सो दैट हमारे दोनों सब्जेक्ट पैरेलली होते रहें एंड बिफोर सिलेक्शन पोस्ट हमारे सारे जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो खत्म हो जाए. बिकॉज सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम के जस्ट बाद CPU है एंड देन उसके बाद CHSL लगा हुआ है. तो मेरा टारगेट ये है कि ये जितने भी टॉपिक्स हैं सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम से पहले ख़त्म हो जाए एंड सो दैट हम CHSL और CPU एग्जाम से पहले कुछ मैंने और थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपके लिए सोचा है. वो एक्स्ट्रा भी तो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब मैं बताऊँगा, बिकॉज तभी उसी के बाद वो स्टार्ट होगा. तो जितनी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा उतना ही हमें उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा. इसी वजह से यहाँ पे मैं दो लेक्चर्स लेके चल रहा हूँ. और स्टैटिक जीके में मैं आपको हर एक टॉपिक नहीं करवाने वाला हूँ, लेट मी बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि सेंसस मैंने करवाया, क्लासिकल डांस करूँगा, फोक डांस करूँगा, यानी जो इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. बाकी जो छोटे छोटे बहुत टॉपिक्स होते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे ऑर्गेनाइजेशन, उनके हेडक्वार्टर, ये मैं नहीं करवाने वाला हूँ. इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह ये मैं नहीं करवाने वाला हूँ, ठीक है. नंबर ऑफ स्पोर्ट्स और उसमें नंबर ऑफ प्लेस वगैरह वो मैं करवा सकता हूँ, लेकिन बाकी वो जो बहुत ही लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यहाँ पे मैं नहीं करवाने वाला हूँ, ठीक है. स्टार्ट करते हैं पॉलिटी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान किस तरह से बना था वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं. अब पॉलिटी में भी कुछ सेक्शंस हैं हमारे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो प्रीएम्बल है, फंडामेंटल ड्यूटी, DPSP, प्रेसिडेंट और थोड़ा बहुत पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन कुछ बॉडीज जैसे कि अटॉर्नी जनरल और कैग, क्योंकि अभी SSC JEE का एग्जाम हुआ है एंड अटॉर्नी जनरल और कैग से खूब क्वेश्चंस पूछे गए यहाँ पे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान हमारा किस तरह से बनता है. तो सबसे पहले संविधान बनाने के लिए चाहिए एक संविधान सभा, दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की जो मांग थी, जो डिमांड थी, वो 1934 में हम ट्रेस बैक कर सकते हैं, जहाँ पे मनिंद्रनाथ रॉय, दैट इज MN रॉय, जिनको कि हम CPI पार्टी का फाउंडर भी बोलते हैं, हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ रखा है, ठीक है, दैट ही इज़ दी फाउंडर ऑफ CPI पार्टी. 1920 में ये पार्टी बनती है, कहाँ पे? ताशकंद उज़्बेकिस्तान में ये पार्टी बनती है एंड फॉर्मलाइज होती है 1924 में आके कानपुर में, ठीक है. कानपुर में एक और पार्टी बनती है इन दैट ईयर 1924 एंड दैट इज़ HRA, दैट इज़ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है. एंड 1924 में ही एक कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस भी होता है. 1935 में कांग्रेस ने डिमांड की सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो कहीं कहीं पे इस तरह से पूछता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, संविधान सभा की मांग सबसे पहली बार कब उठी. तो MN रॉय वाला ऑप्शन में ना देके वो कांग्रेस वाला 1935 देता है, तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए. जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ सेशन में कांग्रेस का जो हुआ था उसमें मांग उठाई थी 1936 में एंड ऑगस्ट ऑफर. अब सबसे पहले कब ब्रिटिशर्स ने डिमांड को माना, 1940 में, 1940 में लिल लिथगो था उस समय जो वॉइस रॉय था, तो उसके समय में यहाँ पे एक ऑगस्ट ऑफर आता है 1940 में, और जिसके ऑपोजिशन हम लोगों ने पढ़ा था हिस्ट्री में कि इसके विरोध में क्या हुआ था, इंडिविजुअल सत्याग्रह, दैट इज़ व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, जहाँ पे पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे और दूसरे आपको बताना है जिनका नाम यहीं पे लिखा हुआ है, बताइए आप कौन थे वो दूसरे, ठीक है. एंड डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहाँ पे एक्सेप्ट की गई थी, लेकिन क्योंकि ये लोग डोमिनियन स्टेटस वगैरह दे रहे थे, जो कि हमने हिस्ट्री में देखा था, मॉडर्न हिस्ट्री में, तो डोमिनियन स्टेटस वॉज डेड एज डोर नेल, सो हमने उसको रिजेक्ट कर दिया. ना सिर्फ इसको रिजेक्ट किया बल्कि इसके बाद जो 1942 में क्रिप्स मिशन आता है उसको भी हमने रिजेक्ट कर दिया, और इसके रिजेक्शन की वजह से ही आपका क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च होता है इन द ईयर 1942, जहाँ पे गांधी जी डू और डाई यानी करो या मरो का नारा देते हैं. अब फाइनली जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है वो इस पर्टिकुलर प्लान, दैट इज़ कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनती है, जो इन द ईयर 1945 ये प्लान फॉर्म होता है. इंडिया में आता है एक मिशन टाइप है ये, 1946 में इंडिया में भेजा जाता है, अराइव करता है इंडिया में, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स. इसमें तीन लोग थे ये, स्टेफर्ड क्रिप्स वही क्रिप्स मिशन वाले हैं ये, ठीक है, और एवी अलेक्जेंडर ये और पैथिक लॉरेंस, ये कैबिनेट मिशन प्लान में थे. पैथिक लॉरेंस की अगर बात करें तो ये इस पर्टिकुलर मिशन के चेयरमैन थे, तीन मेंबर्स थे. तो इसमें ये प्रोविजन था कि टोटल 389 सीट्स होनी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389, जिनमें के डिवीजन कुछ इस तरह से होगा 296 + 93. 296 निकल के आएंगी ब्रिटिश इंडिया से, दीज विल बी इलेक्टेड, एंड 93 निकल के आएंगे प्रोविंसेस या फिर प्रिंसली स्टेट से, राज्य रजवाड़ों का जहाँ पे रूल चल रहा है नॉमिनेटेड. अब ये क्या है राज्य रजवाड़ों का रूल, तो देखिए जो ब्रिटिश भारत था पूरा, क्योंकि पाकिस्तान जो प्रेजेंट है वो सब कुछ था, ठीक है, तो ये जो पूरा ब्रिटिश भारत था जहाँ पे ब्रिटिशर्स का रूल था, तो इसमें कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे प्रिंसेस का रूल चल रहा था. अभी मैं किंग्स नहीं बोलूँगा बिकॉज ब्रिटिशर्स भी इनको किंग्स नहीं बोलते थे, प्रिंसेस बोलते थे कि प्रिंस ही है, ठीक है. और प्रिंस का और किंग में अंतर ये होता है कि प्रिंस एक मतलब मोनार्क का बेटा होता है, फिर मोनार्क के अंडर में रहता है, ठीक है, और जो किंग होता है वो राजा ही होता है. तो इन्होंने क्या किया था कि
कुछ जो राजे रजवाड़ों को जहाँ पे रूल था वो उनको रूल करने दिया था, बोला था कि भाई हमें इतना पैसा देते रहना टाइम टाइम पे तुम। और वो ब्रिटिशर्स का क्या था भाई कि हमें बस पैसा मिलना चाहिए, खोकट तुम अपने पास रखो, ठीक है। तो वो जो खोकट थे वो काफ़ी सारे, अब कितना एग्जैक्ट नंबर था ये नहीं, कभी नहीं पूछेगा प्रिंसली स्टेट का। रीज़न क्या, क्योंकि वो डिफर करता है, हिस्टोरियंस कुछ हिस्टोरियंस अपना डिफरेंट पैरामीटर्स यूज़ करते हैं, कुछ डिफरेंट पैरामीटर्स यूज़ करते हैं, बट समथिंग आप मान लो कि 500 के समथिंग, ठीक है। तो 93 सीट्स आनी थी नॉमिनेट होके इन प्रिंसली स्टेट से राजे रजवाड़ों से, और ये इलेक्ट होके नहीं थी। और नॉमिनेशन और इलेक्शन में क्या अंतर होता है, लोग जाके कोई वोट करता है, नॉमिनेशन में वोट नहीं करता, राजा अपनी तरफ से बोल देगा कि हमने इसको नामित किया है और हमारे इस प्रिंसली स्टेट से ये बंदा आएगा। इलेक्शन ये जो था ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था, ध्यान रखना। इलेक्शन का मतलब ये मत समझ लेना कि डायरेक्ट इलेक्शन था, लोगों ने डायरेक्टली वोट किया ना, इनडायरेक्टली वोट हुआ था यहाँ पर। जैसे कि राज्यसभा के लिए क्या होता है, राज्यसभा के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, कैसे, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है विधानसभा, वहाँ के लोग, वहाँ पे हमने डायरेक्टली चुन के भेजा लोगों को, ठीक है। वहाँ के लोग जो है डायरेक्टली, वहाँ के लोग फिर वोट करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की राज्यसभा में चुनने के लिए, राज्यसभा में भेजते हैं वो लोग। वैसे ही यहाँ पे भी था, लोगों ने डायरेक्टली वोट नहीं किया था, इनडायरेक्ट इलेक्शन था, इसीलिए अप्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ था। अब इस ब्रिटिश भारत में से 292 निकलनी थी गवर्नर के प्रोविंस से और 4 निकलनी थी चीफ कमिश्नर के प्रोविंस से। अभी तक तो मैंने इतना डीप में क्वेश्चन नहीं देखा कि गवर्नर प्रोविंस से कितनी थी, चीफ कमिश्नर प्रोविंस से कितनी थी, तो यहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं। बाकी ये आपको रटा हुआ होना चाहिए कि 389 सीट्स थी और किस तरह से बाइफिकेशन था। फिर अगर हम बात करें, इनडायरेक्ट इलेक्शन था जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, 3 कम्युनिटीज़ में सीट्स डिवाइडेड थे, मुस्लिम सिख और जनरल, यानी मुस्लिम सिख और मुस्लिम सिख को छोड़कर जो बाकी कम्युनिटीज़ हैं उसको जनरल बोला गया। तो 3 कम्युनिटीज़ में ये इलेक्शन हुआ, ठीक है, कि लोग को 3 कम्युनिटीज़ में बांटा गया और एक सीट जो है 1,000,000 में से, यानी 1,000,000 पॉपुलेशन में से एक सीट निकल के आनी थी, ठीक है। जैसे कि अभी होती है डिलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग बैठता है और वो ये डिसाइड करता है कि इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट पैरिटी हो, कि भाई हर स्टेट से और हर स्टेट के अंदर से जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें से सेम नंबर ऑफ पॉपुलेशन को वो बंदा या फिर बंदी रिप्रेजेंट कर रहा या रही हो। इलेक्शंस की अगर बात करें तो जुलाई अगस्त के टाइम पे हुए थे इन 1947। रिजल्ट्स क्या रहे, रिजल्ट्स ये रहे कि मेजॉरिटी में कांग्रेस यहाँ पे आई 208 सीट्स, मुस्लिम लीग 73 सीट्स और इंडिपेंडेंट जो थे, ठीक है, निर्दलीय, वो 15 यहाँ पे जीते। अब क्योंकि मुस्लिम लीग ने यहाँ पे बॉयकॉट कर दिया तो 299 सीट्स होनी थी, तो मुस्लिम लीग ने यहाँ पे बॉयकॉट कर दिया, बची 299 सीट्स आफ्टर पार्टीशन। देखिए कैबिनेट मिशन प्लान का हमने देखा था हिस्ट्री में कि इनिशियली तो मुस्लिम लीग ने इसका फेवर किया था। रीज़न क्या था, जबकि इसमें पाकिस्तान की डिमांड नहीं मानी गई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान की डिमांड कैबिनेट मिशन प्लान में नहीं मानी थी, देन टू फिर भी क्यों एक्सेप्ट कर लिया था, बिकॉज इसमें ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस का प्रोविजन था। तो मुस्लिम लीग या फिर जिन्ना को ये लगा कि हम ग्रुपिंग करके यहाँ पे पाकिस्तान निकालेंगे, यहाँ पे निकाल लेंगे, जो बाद में उसने निकाला वेस्ट पाकिस्तान इस पाकिस्तान, लेकिन उसने पहले ये वो सोचा। लेकिन जब जवाहरलाल नेहरू का उसने स्टेटमेंट सुना कि ग्रुपिंग इज़ नॉट कंपलसरी, कि भाई ज़रूरी नहीं कि ग्रुपिंग हो ही हो, अगर लोग नहीं चाहेंगे तो नहीं होगी, तो फिर उसका दिमाग खनक गया और उसने फिर आपको पता है क्या हरकत करी, उसने फिर डायरेक्ट एक्शन डे ऑब्जर्व करने की बात कही। जरा कमेंट बताइए डायरेक्ट एक्शन डे कब इसने ऑब्जर्व करने की बात कही थी और कब हुआ था ये, जहाँ पे इतने लोगों की मार्कआउट हुई। अब कैबिनेट मिशन प्लान में ये सब कुछ इलेक्शंस वगैरह हो गए, कांग्रेस को मेजोरिटी मिल गई, मुस्लिम लीग चली गई, तो अब मुस्लिम लीग चली गई अपना अलग, फिर आपको पता है माउंटबेटन प्लान है जिसको हम पार्टीशन प्लान बोलते हैं, और उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया और उसने अपनी अलग से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी मुस्लिम लीग, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जैसे हम पाकिस्तान को इग्नोर करते हैं वैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कि उसको इग्नोर करेंगे, जैसे कि कल वो इंडिया टीम के द्वारा इग्नोर हुई है ना, ठीक है। तो अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आते हैं और अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी बैठी है, संविधान सभा, हमारे भारत की संविधान सभा, और वो अब संविधान बनाना स्टार्ट करेगी, शुरू करेगी। तो इसकी पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को, जहाँ पे 211 मेंबर्स एकदम नहा धो के मस्त चकाचक आते हैं। फिर उसके बाद 13 दिसंबर, ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, 13 दिसंबर को हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव पारित करते हैं। वॉट इज़ दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, तो ये उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में जाके प्रियम्बल बनता है, प्रस्तावना बनता है, यानी कि ये एक ऑब्जेक्टिव है कि भाई जब हम कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान बनाना स्टार्ट कर रहे हैं तो क्यों ना सभी लोगों के सामने एक खाका तैयार हो। जैसे नहीं पार्टीज़ मैनिफेस्टो रिलीज़ करती हैं, तो उसी तरह से हमारे पास एक प्लान हो कि हम किस तरह से सभी लोग एक डायरेक्शन में मूव करें कि भाई कंट्री हमारी सॉवरेन है, इंडिपेंडेंट है, डेमोक्रेटिक है, तो सभी लोग उसी विजन के तहत काम करें। तो ये एक उस तरह का मैनिफेस्टो सभी लोगों को दे दिया गया था, 13 दिसंबर में प्रेजेंट किया था जवाहरलाल नेहरू ने, और इसको एक्सेप्ट किया था हमने 22 जनवरी 1947, हमने मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, तो इसने अडॉप्ट किया था, ठीक। देन फर्दर अब यहाँ पे काम होना स्टार्ट होता है। अब काम होना स्टार्ट होगा तो भाई काम को
पार्ट्स में बांटा जाएगा। पार्ट्स में बांटने के लिए कमिटीज़ बनाई गई, यानी समितियां का निर्माण हुआ। समिति को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, मेजर यानी मुख्य और माइनर यानी लघु। मेजर 8 और माइनर 13 कमिटीज़ यहाँ निकल के आई। अब पूछ लेता है कि उस कमिटी का चेयरमैन कौन था। जैसे अभी कोई कमिटी बनती ना, जैसे कि आप सुनते हैं, जैसे अभी हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ के आए रंगराजन कमिटी, तो रंगराजन ने फिर पोवर्टी पढ़ी थी ना, दांडेकर रथ अलग, लकड़ा वाला और तेंदुलकर और रंगराजन कमेटी, तो ये सब कमेटी क्या है? या फिर नाबार्ड फॉर्मेशन हुआ, बी सिब्रमन कमेटी, नरसिम्हम कमेटी के रिकमेंडेशन से आरबी का सेटअप हुआ, तो ये सब कमेटी क्या है? वो उनके चेयरमैन के नाम पे कमेटी का नाम पड़ जाता है और उसमें और भी कुछ मेंबर होते हैं। जैसे कि करंट अफेयर में हम लोगों ने रिसेंटली पढ़ा था, रामनाथ कोविंद जी की कमेटी बनी थी, 7 मेंबर थे जिसमें कि ये चेयरमैन थे, और इन्होंने क्या रिकमेंड किया था, किस चीज़ के लिए बनी थी, ये साइमल्टेनियस इलेक्शंस के लिए बनी थी। इंपॉर्टेंट चीज़ आ सकता है करंट अफेयर में। बाकी आप लोगों को पता है करंट अफेयर का नाश्ता मिलना स्टार्ट हो चुका है परमार एसएससी टेलीग्राम चैनल पे, और उस नाश्ते को लेते रहिए, जो लोग खासकर सीपीओ सीएचएल के लिए भी हेल्प करेगा। बाकी मैं सीपीओ सीएचएसएल के लिए बता रहा हूँ एकदम, ठीक है, आप लेके देखिए, अच्छा लगेगा। एग्जाम के बाद आप मिलते हैं, ठीक है। यूनियन पावर्स कमेटी, तो ध्यान रखना जितनी भी मेजर कमेटीज़ हैं उनमें जिनके नाम के आगे यूनियन या स्टेट लगा हुआ है, संघ और स्टेट, स्टेट ये देखो, उनके नेहरू जी होंगे, ठीक है। यूनियन या स्टेट लगा हुआ है तो नेहरू जी होंगे, जैसे कि ये यूनियन पावर्स कमेटी। और हिंदी में भी सब कुछ आपको पता है, माइंड मैप मिल जाता है, तो अगर आप हिंदी मीडियम के, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है समझने में, तो आप हिंदी वाला माइंड मैप खोल के सामने रख के आप उसके साथ साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो संघ शक्ति समिति, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी राजेंद्र प्रसाद, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। अब प्रोविंसेस को भारत में मिलाने का काम किसने किया था आज़ादी के बाद, सरदार पटेल जी ने किया था। स्टीयरिंग जिसको क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं संचालन समिति, राजेंद्र प्रसाद, तो राजेंद्र प्रसाद दो कमेटीज़ के चेयरमैन थे, तो प्रोसीजर बना रहे हैं वो और संचालन कर रहे हैं, तो प्रोसीजर जो बनाएगा तो वही, जो प्रोसीजर बनाएगा कि ऐसे 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 करना है, तो वही तो संचालन भी करेगा, वही तो उन प्रोसीजर को चलाने का भी काम करेगा, तो राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। पी से प्रसाद, पी से प्रोसीजर, ठीक है, और जो प्रोसीजर बनाएगा वो स्टीयरिंग करेगा। और प्रोविंसेस को मिलाने का काम किसने किया था, सरदार पटेल जी ने। और ये सबको पता है कि अंबेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको प्रारूप या फिर मसौदा समिति बोलते हैं, उसके चेयरमैन थे। इसमें टोटल 7 मेंबर थे, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, रामनाथ कोविंद जी जिस कमेटी को लीड कर रहे थे अभी, जिसने साइमल्टेनियस इलेक्शंस को लेकर रिकमेंडेशन दी, उसमें भी 7 मेंबर्स थे और इसमें भी, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में, मसौदा समिति में 7 मेंबर्स थे, अंबेडकर जी इसको लीड कर रहे थे। अभी अलग से उसके बारे में देखेंगे कौन कौन से मेंबर्स थे, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, ये सरदार पटेल लीड कर रहे थे। यूनियन नाम के आगे नेहरू, स्टेट नाम के आगे है तो नेहरू, खत्म बात। अब ये माइनर कमेटीज़ हैं, माइनर में आपको बताता हूँ कौन कौन से याद रखना है, सब मत रटना, लेकिन कुछ याद कर लो, जैसे कि हाउस कमेटी पट्टा भी सीतारमैया। कैसे याद रखेंगे कि भाई एक मूवी आई थी रमैया बस्ता भैया, उसमें सब बस घर घर का ही सब दिखाया जा रहा था, घर के लड़ाई झगड़े और घरेलू चीज़ें दिखाई जा रही थी, तो उसमें रमैया बस्ता भैया, तो वैसे ही पट्टा भी सीतारमैया, थोड़ा सा सिमिलर साउंड हो रहा है। बिजनेस वगैरह कौन देखता है, धंधा कौन करता है, मुंशी जी लोग करते हैं, धंधा मुंशी जी लोग ही तो करते हैं, तो के एम मुंशी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। फाइनेंस वगैरह कौन देखता था, राजेंद्र प्रसाद, तो जो प्रोसीजर बनाएगा वही उसको चलाएगा और वही उसी के हाथ में पूरा फाइनेंस होगा, क्योंकि भाई प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, भी देखेंगे पूरी जो संविधान सभा बनी थी उसके ये प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे उसका, हम कमेटी के देश के पहले राष्ट्रपति थे, तो पूरा जो घर का मुखिया होता है उसी के हाथ में तो फाइनेंस होता है। मुंशी जी बिजनेस देखेंगे अपना, ठीक है। तो ये 2-3 आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, जैसे जीवी जो मावलंकर थे, गणेश वासुदेव मावलंकर, जो हमारे लोकसभा के पहले स्पीकर थे, वो कमिटी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फंक्शन देख रहे थे। जैसे कि जो स्पीकर होता है, जैसे अभी लोकसभा है, नई लोकसभा हमारी बनी, उसमें कोई ना कोई तो स्पीकर अभी वो बनेगा, तो क्या होता है उसका सब ये काम होता है कि वो फंक्शन देखे पूरा कि ढंग से फंक्शन कर रहे कि नहीं, तो ये स्पीकर थे तो वो फंक्शन देख रहे थे, ठीक है। अब बात करें बाकी जो भी आपका मन करे उसमें से याद कर लेना, जो भी याद हो बाकी तो मेरे हिसाब से आप एलिमिनेट कर पाएंगे। एस के धर अभी याद हो जाएगी, ये कमीशन ऑन लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस, बिकॉज अभी हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि जब स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस पे जब फॉर्मेशन की बात आई, भाषा के आधार पे बनाने की बात आई, तो उस एक कमीशन था धर कमीशन, एक था धर कमीशन, एक था जेवीपी कमेटी और एक फजल अली कमीशन बना, तो धर तो उससे आप याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये कुछ इक्का दुक्का आप याद रखिएगा, एस वरदाचारी सुप्रीम कोर्ट, एस वरदाचारी और एस ए सुप्रीम कोर्ट, सारी रटने की जरूरत नहीं है, ये दोनों तो आपको याद हो गए। हाउस कौन देखता है और चीफ कमिश्नर को रमैया वस्ता भैया हो गए। फाइनेंस हमारे सबसे बड़े बुजुर्ग देखेंगे राजेंद्र प्रसाद, बिजनेस धंधा करने वाले मुंशी जी हमारे, ठीक है। और मावलंकर जी भी हमने पढ़ लिया, इससे एलिमिनेट हो जाएगा आपका मेरे हिसाब से आराम से, ठीक है। अभी बढ़ते हैं और नेशनल फ्लैग वाली देख लेना, ठीक है। झंडा राजेंद्र प्रसाद जी, ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर्स थे, कब बनी थी, 29 अगस्त 1947, इसको भी याद रखिएगा, 29 अगस्त 1947 को, चेयरमैन बता दिया मैंने, और ये थे अय्यर, अयंगर, सादुल्ला, ठीक है, मुंशी जी हमारे, वो बिजनेस कमेटी वाले, और बी एल मिट्टर और डी पी खेतान,
इनकी जगह पहले एन माधव राय थे और एक टीटी कृष्णमाचारी, एक लोग की तबीयत ख़राब हो गई थी और एक लोगों ने रिज़ाइन वगैरह दे दिया था, तो जिसकी वजह से इनको रिप्लेस किया था एन माधव राय को बीएल मिटर ने और टीटी कृष्णमाचारी को डीपी खत्ता ने। तो बीएल और डीपी याद रखिएगा बस, ठीक है। आप आँख बंद करके अभी रिकॉल कर सकते हैं मेरे साथ, रिकॉल करिए, आँख बंद करिए। अम्बेडकर जी, ठीक है, अय्यर, अयंगर, सादुल्ला, मुंशी जी, बीएल, डीपी, ठीक। आ जाते हैं इंपॉर्टेंट ड्राफ्ट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उसने अब ड्राफ्ट तैयार करना स्टार्ट किया, खासकर हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी ने, कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार हुआ। ड्राफ्ट इन दी सेंस कि अब ऐसा नहीं कि लो लो भैया कॉन्स्टिट्यूशन लो इसको अपना लो। अरे भाई कुछ तो होगा कि भाई पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है, इतना तो सबको एक्सपीरियंस भी नहीं है, और फिर भी देखिए कितना गजब का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया उसका ड्राफ्ट तैयार हुआ होगा। अब देखो सब लोग कि कैसे ड्राफ्ट तैयार हुआ, लोगों के सामने इसको रखो और लोगों की रिकमेंडेशन लो। तो पहला जो ड्राफ्ट तैयार हुआ वो इस डेट को तैयार हुआ, पूछ लेते हैं 9 दिसंबर 1946 को। जो 12 ड्राफ्ट तैयार हुए थे, ठीक है, 12 यहाँ पे ड्राफ्ट तैयार हुए कि 10th ड्राफ्ट था 6 से 7 अक्टूबर के बीच में प्रेजेंट किया गया था, 11th 14 से 26 नवंबर 1949, और जो फाइनल प्रेजेंट किया गया था दैट वाज ऑन यहाँ पे 1949 करिए, ठीक है, यहाँ पे नवंबर ऑफ 1949 करिए, जो बिकॉज जो फाइनल ड्राफ्ट प्रिपेयर हुआ था एंड इसके बाद ही इसको उसको आई थिंक टोटल तीन रीडिंग्स में इसको जो है तीन रीडिंग्स में डिस्कस किया गया था। देखिए जो भी ड्राफ्ट प्रिपेयर हुआ था उसको, जैसे फॉर एग्जांपल पहला ड्राफ्ट प्रिपेयर हुआ था तो लोगों के सामने रखा गया था, फिर उस पर फर्दर रीडिंग्स एंड प्रोसीडिंग्स होती थी। जो फाइनल ड्राफ्ट तैयार हुआ था उसमें टोटल तीन रीडिंग्स हुई थी, और आफ्टर द थर्ड रीडिंग जो कि हुई थी फिनिश आपके 26th of November 1949 को, इसी डेट को कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए थे साइन बाय द 284 मेंबर्स, जिसमें कि 15 हमारी फीमेल थी, फीमेल मेंबर थी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में साइन किए थे, और कॉन्स्टिट्यूशन को इसी दिन हमारा अडॉप्ट किया गया था, अपनाया गया था, एंड इसीलिए हम 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी संविधान दिवस मनाते हैं। और जो हमारी पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसको भी हमने क्या नाम दिया है, संविधान सभा नाम दिया है, ठीक है। सम प्रोविजंस वर अब देखो क्या है बाद में देखते हैं, अभी इसको कितना टाइम लगा था, 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे थे इसको कंप्लीट होने में, पूरे संविधान को बनने में, लेकिन लागू इसको किया गया था थोड़े टाइम बाद, रफली 2 महीने बाद लागू किया गया था, एनफोर्स किया गया था 26 जनवरी 1950 को। रीज़न क्या था, रीज़न ये था कि 26 जनवरी को ही लाहौर में सेशन हुआ था कांग्रेस का, हमने देखा था 1929 में, वहाँ पे डिक्लेयर हुआ था कि हम 26 जनवरी 1930 को अपना पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। तो 26 जो जनवरी था वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेट था, तो बस उसी लिए हमने 2 महीने रुक गए, और इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन को 2 महीने रुक के एनफोर्स किया। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से ही हमने रोक दी, क्योंकि कुछ चीज़ें रुक नहीं सकती हैं, है ना। जैसे अगर हम अपने बॉडी में बात करें तो हम कुछ चीज़ें रोक सकते हैं, अपनी भूख के इंस्टिंक्ट को रोक सकते हैं कुछ चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो रुक नहीं सकती हैं। तो उन्हीं में से जो हमारी कुछ चीज़ें रुक नहीं सकती, जिनके बिना देश नहीं चल सकता था, जैसे कि प्रोविजंस रिगार्डिंग सिटीजनशिप, नागरिकता, क्योंकि इधर से उधर हो रहा था, पाकिस्तान से इंडिया, इंडिया से पाकिस्तान, सब लोग जा रहे थे, इलेक्शंस होने थे, एंड प्रोविजनल पार्लियामेंट। तो ये वाले जो प्रोविजंस थे इनको तुरंत ही लागू कर दिया गया था 26 नवंबर को। तो जो भी आपके आर्टिकल अभी हम देखेंगे कल के लेक्चर में, पार्ट टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप से डील करता है, नागरिकता से, जहाँ पे आर्टिकल 5, 6, 7 ये सब डील करते हैं सिटीजनशिप से, 5 से 11, तो वो यहाँ पे उनको एनफोर्स कर दिया गया था। एंड जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो बचा है वो आपका 26 जनवरी 1950 को एनफोर्स किया गया था। सिंबल इसका था एलिफेंट, बिकॉज हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ इट वॉज दी और इट इज़ दी लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। लार्जेस्ट है, रिटन का मतलब ये है कि उसको जल्दी से अमेंड, इतना आसानी से अमेंड नहीं किया जा सकता है, और इसको कोडिफाई किया गया है कुछ सेट ऑफ लोगों के द्वारा बैठ के। ऐसा नहीं कि कुछ लॉ चले आ रहे थे हमारे, उन्हीं को बस कोडिफाई कर दिया कि ये लॉ चला आ रहा था, हिंदू धर्म में ये लॉ है, मुस्लिम धर्म में ये लॉ है, तो इनको चलो मिला के कौन ना, अलग से हमारे लोग बैठे संविधान सभा, उन्होंने बनाया, जैसे कि यूके दैट इज़ ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन रिटेन नहीं है। इतनी चीज़ क्लियर। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसको, इसका कैलीग्राफी किसने किया, यानी इसको लिखा किसने, तो कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा ने इंग्लिश में, एंड हिंदी में लिखा वसंत कुमार वैद्य ने। इसको डेकोरेट करने का काम किया नंदलाल बोस और बेहर राम मनोहर सिन्हा जी ने, क्लियर। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर हम बात करें तो ना सिर्फ इसने ये फंक्शन परफॉर्म किया, कौन सा, ना सिर्फ इसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का फंक्शन परफॉर्म किया, बल्कि इसने लॉ मेकिंग भी करी, क्योंकि हमारा देश
जब तक 2 साल मेरा टाइम लगा रफली 2 साल, और हमने यहाँ पे अभी टाइम देखा था 11 महीने 17 दिन, कहाँ पे लिखा हुआ ये, ठीक है 2 साल 11 महीने 17 दिन ये हमने देखा इतना टाइम लगा। तो इतने टाइम तक ऐसा तो है नहीं क्राइम्स नहीं होंगे या फिर देश चलना बंद हो जाएगा, तो भाई देश चलाने के लिए कानून चाहिए, तो लॉ मेकिंग बॉडी के तौर पर भी इसने फंक्शन किया। और जब एज अ लॉ मेकिंग है दैट इज एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी मीट करती थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो उसके प्रेसिडेंट गणेश वासुदेव मावलंकर होते थे, जीवी मावलंकर, एंड वाइस प्रेसिडेंट इस कमिटी के रहे, ध्यान रखिएगा, इस पूरे जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बैठती थी, जो अभी हमने फंक्शन देख लिया जो इसका प्राइमरी फंक्शन था, तो राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन होते थे, और जब ये लॉ मेकिंग यानी लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर पे बैठती थी, जीवी मावलंकर। इसके पहले प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद तो थे, लेकिन इनसे पहले भी एक टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट बने थे जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, फिर इलेक्शन होके ये परमानेंट प्रेसिडेंट बन गए, लेकिन टेम्प्रेरी थे सच्चिदानंद सिन्हा। और इसके वाइस प्रेसिडेंट थे वी टी कृष्णमाचारी और एच सी मुखर्जी। लीगल एडवाइज़र कौन था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, यानी कि संवैधानिक सलाहकार, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र, ये एक तो हो गया विधिक सलाहकार, और इन्हीं को ही हम बोल देते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र यानी कि संवैधानिक सलाहकार, तो वो बेनेगल नरसिंह राव थे, बी एन राव इन शॉर्ट। चीफ ड्राफ्ट्समैन थे कॉन्स्टिट्यूशन के एस एन मुखर्जी, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे अम्बेडकर जी, लेकिन चीफ ड्राफ्ट्समैन थे एस एन मुखर्जी, ध्यान रखिएगा। एंड इसके साथ साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के साथ साथ, लॉ बनाने के साथ साथ, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कुछ और भी फंक्शन परफॉर्म किए, जैसे कि नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया इसने, कब अडॉप्ट किया, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 जुलाई 1947। कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप कब रेटिफाई की, ये सारी डेट्स इंपॉर्टेंट है, मई 1949 को, ठीक है इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली क्वेश्चन पूछता है। एंड 24 जनवरी को ही हमने अपना नेशनल एंथम जन गण मन रिटन बाई रविन्द्रनाथ टैगोर उसको अडॉप्ट किया। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम रिटन बाई बंकिम चंद चटर्जी इन हिज नॉवल आनंदमठ उसको यहाँ पर अडॉप्ट किया। कमेंट आपको बताना है कांग्रेस के किस सेशन में सबसे पहले जनगणमन को गाया गया और वंदे मातरम को गाया गया। 284 लोगों ने साइन किया, देख चुके हैं, जिसमें 15 फीमेल थी इलेक्टेड राजेंद्र। और इसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने 24 जनवरी को ही, जिस दिन हमारी लास्ट सिटिंग हुई, आखिरी सिटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, उसके बाद इसको भंग कर दिया गया, फिर एक तरह से बोल सकते हैं इट इज़ वो इसी ने ही फंक्शन किया एज अ प्रोविजनल पार्लियामेंट, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, क्योंकि जो हमारे इलेक्शंस हुए थे पहले जनरल इलेक्शन वो 1951-52 में हुए थे जाके, तो 1952 में जाके कहीं गवर्नमेंट बनी, तो फिर इतने टाइम तक संविधान सभा जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, इट फंक्शन एज अ प्रोविजनल पार्लियामेंट, ठीक है। तो इसकी लास्ट सिटिंग एज अ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी 24 जनवरी 1950 को ही, देन इसके बाद इसको इस फंक्शन को डिसॉल्व कर दिया गया। एंड और राजेंद्र प्रसाद को इसने पहला प्रेसिडेंट भी नियुक्त किया, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के पहले प्रेसिडेंट थे, वही इंडिया के भी हमारे पहले प्रेसिडेंट बने। खत्म लेक्चर। अब इसका जो माइंड मैप का PDF आपको कहाँ मिल जाएगा, ये आपको पता है, परमार SSC टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एंड बाकी तो और कुछ नहीं है। चलिए भाई, थैंक यू सभी को, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में कल सुबह। थैंक यू। कुछ डाउट है, कुछ कहना है, दिल की बात, तो कह सकते हो कमेंट में, अभी भी वक्त है। थैंक यू।